ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि जब मैंने लिबर्टी सिटी से सुपर कार्स इंपोर्ट करवाई थी अपने शोरूम के लिए, तो उन सभी कार्स को ना लॉस्ट गैंग के बंदों ने जलाकर ब्लास्ट कर दिया था। अब यार देखो, इसमें ना हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो गया था, तो इस सीन के बाद ना यार उनसे बदला लेना तो बनता ही था, बट हाँ उनसे बदला लेने के लिए अपने पास यार वेपन्स ही नहीं थे, क्योंकि यार इस टाइम ना लॉस सैंटोस का पूरे सैन एंड्रियास शहर में पूरी जगह पर कहीं पर भी वेपन्स नहीं मिल रहे हैं, तो काफी ज्यादा दिक्कत है। बट लॉस्ट गैंग के बंदों के पास वेपन्स भर के हैं, तो इसीलिए लेस्टर ने हमें बोला कि अपनी सेफ्टी के लिए और लॉस्ट गैंग से बदला लेने के लिए तुम वेगोस गैंग ज्वाइन कर लो, उनसे हमें वेपन्स मिल जाएंगे और अपने लिए बंदे भी हो जाएंगे। तो हमने सीधा वेगोस गैंग ज्वाइन कर ली और सीधा अटैक कर दिया लॉस्ट गैंग के बंदों पर। बट दिक्कत ये हुई कि जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो उस जगह पर फ्रैंकलिन भी था, और भाई फ्रैंकलिन ने जो अपने बंदों को बचाया RPG मारकर, वो बहुत खतरनाक था। बट हाँ, आते आते मैंने भी फ्रैंकलिन के पैरों पर गोलियां मार दी थी। वैसे यार देखो, अभी ना फिलहाल हम लोग भाग कर आ गए थे सीधा गांव में, क्योंकि यार अभी ना लेस्टर उन स्टैचूज को दूसरी कंट्री में बेचकर आ गया जो कि हमने म्यूजियम से चुराए थे। बाकी यार देखो, उसके बदले ना ये पैसा नहीं लाया, काफी सारी गोल्ड की कार्स ले आया है और ढेर सारा गोल्ड ले आया है। तो अभी ना फिलहाल यहां पर जितनी भी गाड़ियां हैं वो तो हम सब ने यहां पर इन ट्रेलर्स पे लोड करा दिया। लमार को मैंने बोल दिया था, उसने यहां पर जितने भी ट्रेलर और ट्रक है ना उन सबका जुगाड़ करा दिया है। बाकी ये अपनी मस्टैंग है, इसको भी मैंने ऊपर रखवा दिया, ताकि हम लोग अभी इसे ना लेकर जाने वाले हैं सीधा लॉस सैंटोस। लेस्टर कह रहा है किसी एक बंदे का घर है, वहां पर हम लोग इन गाड़ियों को ना सेफ खड़ा कर देंगे। बाकी तो यार आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कितनी ज्यादा बढ़िया बढ़िया बाइक्स हैं, और ये एक गोल्ड विंटेज कार है, और ये वही विंटेज कार है जो कि हमने मिलिट्री कर्नल को गिफ्ट करी थी। मतलब ये वो वाले नहीं है, वही वाला मॉडल है, काफी ज्यादा पुरानी कार है, बहुत ज्यादा महंगी बिक सकती है। बाकी थोड़े बहुत वेपन्स इसे दूसरी कंट्री से मिल गए थे जो कि यहां से लेकर आ गया है, और बाकी ढेर सारा गोल्ड था जो कि हमने लाकर इस वाले ट्रक में रख दिया है। बाकी यार देखो, बस इतने ही वेपन्स अभी हमारे पास है, मतलब कि बस 6-7 AK-47 है, और MO भी ठीक ठाक है, अपना काम हो जाएगा, अपनी सेफ्टी के लिए हम लोग रख सकते हैं। बाकी यार ये लोग ना अपना वहां पर बैठ के बातें कर रहे हैं, और मैंने ये अकेले सारी की सारी गाड़ियां लोड करवाई है। चलो कोई नहीं, अभी जल्दी से मैं इन लोग को बुलाता हूं, और फटाफट से गाइस निकलते हैं सीधा लॉस सैंटोस। दोपहर से हम लोग काम कर रहे हैं, शाम हो चुकी है, और शहर से लॉस सैंटोस पहुंचने में भी टाइम लग सकता है, क्योंकि काफी सारे ट्रक्स हैं और हम सबको ना एक साथ चलना पड़ेगा क्योंकि गोल्ड के हैं। तो लॉस गैंग के बंदों से वैसे अपनी फाइट हो रखी है, तो पता नहीं यार कब में वो अटैक कर दे और कब में अपना नुकसान हो जाए। बाकी यार ये देखो, यहां पर ये लोग अपना बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं, और मैं उधर अपना बेमतलब की मेहनत कर रहा हूँ। ये लोग गप्पे नहीं लड़ा रहे, वो दोनों तो अपना गेम खेल रहे हैं, बाकी ये दोनों बातें कर रहे हैं। तो चलो यार अभी ना जल्दी से इन्हें मैं चलने के लिए बोलता हूँ। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इन लोग को अपने साथ चलने के लिए बोल दिया है। मतलब यार ये सारे के सारे यहाँ पर खड़े होकर अपना बातचीत कर रहे हैं, और मैं अकेले यहाँ पर घूम के सारी की सारी गाड़ियां लोड करवा रहा हूँ। अभी वैसे भी हमारे पास बहुत कम टाइम है, और इस टाइम हम लोग जब ट्रक लेकर जाने वाले हैं ना, तो सारे के सारे एक साथ ड्राइव करेंगे। मतलब कि देखो, भी सीन कुछ ऐसा है कि जो भी अपने पास गाड़ियां सारी की सारी गोल्ड की है, और अगर ड्राइव करते करते आगे पीछे हो गए और बाय चांस लॉस्ट गैंग के बंदों ने अपने ऊपर अटैक कर दिया, तो काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी यार देखो, भी फिलहाल मैंने तो अपना ट्रक निकाल लिया है, और ये लोग भी अपना एक एक करके सारे के सारे ट्रक आगे ला रहे हैं। तो चलो यार अभी धीरे चलाएंगे, ज्यादा तेज भगाने की कोई जरूरत नहीं है। गोल्ड की कार है, अगर हल्का फुल्का भी ठुका तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार हम लोग इन गाड़ियों को लेकर जा कहां पर रहे हैं। तो यार देखो, भी सीधी सी बात है, हम लोग इन्हें अपने शोरूम पर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि लॉस्ट गैंग से भी काफी ज्यादा खतरा है, और जो बिग माफिया का भाई है वो भी अभी शोरूम खोले जा रहा है। तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉम्पिटिशन करने के लिए हमारे शोरूम पे अटैक करवा दे या फिर गाड़ियां चोरी करवा ले, तो इसलिए मैं शोरूम तो नहीं ले जाऊंगा। तो लेस्टर कह रहा है कि ना उसका एक दोस्त है लॉस सैंटोस में, काफी ज्यादा बड़ा घर है उसका, वहां पर ले जाकर ना अपनी गोल्ड कार्स को खड़ा करवा देंगे, जिसको भी खरीदनी होगी वहां से ले जाकर डिलीवरी कर देंगे, उसके घर में काफी ज्यादा सेफ रहेगी, और हम लोग उसको एक काम करेंगे, एक कार गिफ्ट कर देंगे, वो खुश हो जाएगा। बाकी तो फिलहाल ये वाला रास्ता भी जाता है लॉस सैंटोस, और आगे एक रास्ता है वो ज्यादा सेफ है, बट कोई नहीं, भी फिलहाल इस रास्ते से चलते हैं। और बाकी ये लोग को भी पहले मैं आ जाने देता हूँ, वरना ज्यादा गैप हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी जो रेड वाला ट्रैक है ना गाइस, इसके अंदर कोई भी गाड़ी नहीं है, मैंने आपको दिखाया था, इसके अंदर काफी सारा गोल्ड है और ढेर सारे वेपन्स है। तो पहले आ जाओ भाई, जल्दी से चलाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओ भाई गाड़ियां पलट दी, तो अभी ये व्हाइट वाला ट्रक कौन चला रहा है? ओ भाई ये क्या चला रहे हैं भाई, अभी गाड़ियां पलटेंगे। एक ट्रक है उसके अंदर सिर्फ दो लिमोजिन आई है गोल्ड की, बट कोई नहीं, अभी शाम हो रही है और मैं कुछ ज्यादा तेज चला रहा हूँ। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेरे हिसाब से ठीक रहेगी। ये लोग भी आराम
से आ जाएंगे। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल हम लोग अपना ट्रक लेकर सीधा लॉस सैंटोस पहुंच चुके हैं काफी ज्यादा इजीली और काफी ज्यादा सेफली। बट अभी ना हमें एक काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत आने वाली है, और वो मुसीबत ये है कि जो लेस्टर का दोस्त है, जिसके घर पर हम लोग अपनी गाड़ियां सेफली खड़े रखने के लिए जा रहे हैं, उसी के घर से काफी टाइम पहले हमने एक मैक्लारेन चुराई थी। अब यार मुझे याद नहीं कि वो हमें पहचानेगा या फिर नहीं पहचानेगा। वैसे जहां तक मुझे याद है हमने उसको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई थी, तो उससे कोई भी शक नहीं होने वाला, तो कोई डरने की बात नहीं है। बाकी तो यार देखो बिना फिलहाल ओके, तो एक ही ट्रक मेरे को यहाँ पर अपना नजर आ रहा है, बाकी जो ट्रक है वो पीछे रह गए हैं। और यार देखो उस साइड पर मौसम कैसा हो रहा था, और यहाँ पर अभी भी धूप निकली हुई है। वैसे हाँ उस साइड पर बारिश हुई थी, इसलिए थोड़ा बहुत मौसम डार्क सा था क्लाउड्स की वजह से। बट कोई नहीं यार, फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उसका घर जो है ना गाइस बहुत ज्यादा बड़ा है। आप लोग को याद होगा जहाँ से हमने मैक्लारेन P1 GTR क्या नाम था उसका, हाँ मैक्लारेन P1 जहाँ से चुराई थी रेसिंग एडिशन वाली, तो उसी बंदे के घर पर हम जा रहे हैं। तो चलो गाइस यार फाइनली हम लोग उस बंदे के घर पर पहुंच चुके हैं। इसके घर का जो मेन गैराज एंट्रेंस है ना जहाँ से गाड़ी एंटर होगी, वो एकदम पीछे की साइड पे है। बाकी यहीं से इसका घर शुरू हो गया है, और अभी आप लोग ना देखते जाना कितना ज्यादा पीछे तक है। ये जो आप वॉल देख पा रहे हो ना, ये उसी बंदे के घर की है, और यहाँ से लेकर पूरा का पूरा एंड तक सिर्फ और सिर्फ ये एक ही घर है। तो ये देखो भाई सच्ची में इतना ज्यादा बड़ा घर काश अपना होता। अभी ना फिलहाल गाइस जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ पर लेफ्ट मोड़ते हैं आराम से। अगर इसमें टक्कर, भाई साहब यहाँ पर ये कैसे बंदे हैं, ये नहीं हल्के से यूटर्न ले लो। तो चलो अभी फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर, अपने ट्रक को लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। इस वाले डोर से हमें ना सारी की सारी गाड़ियाँ एक एक करके घर के अंदर एंटर करवानी है। वैसे इसके घर में ना गैराज भी काफ़ी सारे हैं, तो आगे वाले गेट से भी एंटर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी टेनिस कोर्ट वगैरह सब कुछ है भाई इसके घर में, ओपी है यार। तो ओके ये जगह मेरे को ठीक लग रही है, तो भी जल्दी से अपने ट्रक को ना गाइस यहीं पर खड़ा करते हैं, और एक एक करके ना गाइस सारी की सारी गाड़ियां घर के अंदर एंटर करवा लेते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल लेस्टर अपने ट्रक से निकलकर सीधा मेरे पास आ चुका है, और गाइस यार ये कह रहा है कि अभी ना फिलहाल हमें इससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि इस टाइम पर हम लोग अपनी गाड़ियां अंदर लाकर खड़ी कर सकते हैं या फिर नहीं। तो चलो यार अभी ना जल्दी से इसके घर के अंदर चलते हैं। बाकी यार ये देखो यहाँ पर पपराजीज खड़े हुए हैं, मतलब कि यार शायद से ये सेलिब्रिटी है। जैसे ये बाहर निकलेगा ये इसकी फोटो खींचने के लिए खड़ा हुआ है। बाकी गेट क्यों नहीं खुल रहा, ओके तो शायद से घटिया सेंसर वाले गेट है, या फिर उसने कैमरे में देख के ओपन करे हैं। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग घर के अंदर चलते हैं। बाकी यार ये घर आपने एक बार पहले भी देखा हुआ है, तो मैं दोबारा ज्यादा फोकस नहीं कराऊंगा। बट हाँ इसी जगह पर हम लोग लाकर अपनी गाड़ियां खड़ी करेंगे। इतनी बड़ी पार्किंग है और उतना ही बड़ा गैराज है, तो सोचो यार कितनी ज्यादा गाड़ियां हम लोग अपनी यहां पर लाकर सेफली खड़े कर सकते हैं। बट सेफली के नाम पे तो एक भी सिक्योरिटी गार्ड मेरे को यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। बट कोई नहीं, यहाँ पर वैसे उतना खतरा नहीं है। बाकी इधर की तरफ में काफी बढ़िया सुपर कार खड़ी हुई है, और वो ही घर की एंट्रेंस। बट यहाँ पर दो दो सिक्योरिटी गार्ड है। चलो कोई नहीं, पहले इनसे बात कर लेते हैं, इनको बता देते हैं कि हम लोग बात करके आए हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल इस बंदे ने हमें अंदर जाने की परमिशन दे दी है। बट गाइस यार ये कह रहा है कि एक बार में एक ही बंदा अंदर जाएगा, मतलब यार एक तो इन्होंने मेरे वेपन्स भी ले लिए, वैसे भी मेरे पास एक पिस्टल ही थी, जितने भी वेपन्स बचे कुचे तो मैंने संभाल के रख दिए। और ये कह रहा था कि आगे से लेफ्ट वाले रूम में तुम्हें चले जाना है। बाकी यार एक सेकंड, काफी ज्यादा तगड़ा घर बना रखा है भाई अंदर से। तो अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पर चलते हैं, और मैं लेफ्ट ओके तो मैं राइट साइड आ गया हूँ। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, इस घर का डाइनिंग एरिया इतना बड़ा है जितना अपना पूरा का पूरा घर है। चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी फिलहाल अपने पास भी काफी ज्यादा पैसा आ चुका है। जब ये सारा का सारा गोल्ड और सारी की सारी गाड़ियां बिक जाएगी ना, तो हम लोग इससे भी बड़ा एक घर खरीदेंगे। बाकी तो यार अभी ना फिलहाल मैं किचन में क्या कर रहा हूँ, अभी ना उसने मेरे को लेफ्ट साइड में जाने के लिए कहा था, अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पर लेफ्ट में चलते हैं। बाकी ऊपर से भी घर जो है ना बहुत ज्यादा तगड़ा बना हुआ है, जैसा नीचे है वैसा ऊपर भी होगा जहां तक मुझे लगता है। तो यही है वो रूम, और वो देखो सामने की तरफ में बंदा बैठा हुआ है। तो चलो यार अभी इससे बात करते हैं। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल इस बंदे से बात हो गई है, और यार सच्ची में ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बंदा है। मतलब यार ये कह रहा है कि तुम बस अपनी गाड़ियां अंदर लाकर खड़ी कर दो, बाकी ट्रेलर से उतार के गैराज में इसके जो बॉडी गार्ड्स है ना वही डाल देंगे। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, समझ लो यार अपना काम तो आधे से ज्यादा यही कर देगा। बाकी यार इसका घर काश हमारा हो जाता तो कितना ज्यादा बढ़िया रहता, मतलब कि पूरे के पूरे घर में हम लोग सिर्फ गाड़ियां खड़ी करके रखते, पूरा आगे तक जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हो ना वहां तक इसका पूरा का पूरा घर है। बाकी तो यार अभी फिलहाल मैं किस साइड से आ गया हूँ, किस साइड से मैं गया था और किस साइड से निकल रहा हूँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। बट कोई नहीं, अभी फिलहाल जल्दी से जो गैराज का गेट है वो खोलते हैं, और सारी की सारी गाड़ियां ना एक एक करके अंदर करवाते हैं। तो लेस्टर शायद से वहीं रह गया, बट कोई नहीं अभी अपना ट्रक यहाँ से अंदर आ जाए। बाकी गेट काफी ज्यादा बेकार है, बहुत टाइम लगा था खुलने में, और ये जाम किस लिए भाई साहब, इन्होंने ट्रैफिक किस लिए लगा रखा है, मुझे पहले अपने ट्रक हटाने पड़ेंगे। तो गाइस देखो बिना फिलहाल मुझे अपने ट्रक को ना यू टर्न मार के लाना पड़ेगा, तभी ये घर में एकदम आराम से एंटर हो पाएगा। क्योंकि यार अभी ना मेरे को 5-5 ट्रक पीछे करने पड़ जाएंगे अगर इसे मैं डायरेक्ट एंटर करवाना चाहूँ तो। बाकी यार एक सेकंड, थोड़ा सा बैक बस यार आराम से, कहीं ये डिटैच ना हो जाए वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अभी जल्दी से अपने ट्रक को हम लोग यहाँ से लेफ्ट मोड़ते हैं,
हैं। ओके, तो अभी ये वाला गेट यार एक तो बड़ा बेकार सेंसर है, खुलता भी नहीं है, पूरा टच करना पड़ता है इसे तब जाकर ये खुलता है। बाकी अभी ये ओपन हो चुका है। ऊपर से ये वाला ट्रक तो फिर भी छोटा है, और जो बाकी ट्रक है ना वो काफी ज्यादा बड़ा है, बट इसका घर भी बड़ा है। आराम से सारे के सारे अंदर आ जाएंगे। तो कुछ इस टाइप से हमें सारे के सारे ट्रक ना ला कर खड़े करने हैं, बाकी आगे काम है जो इसके गार्ड कर लेंगे। और यहाँ से ना गाइस मैं सोच रहा हूँ एक बाइक हम लोग लेकर चले, कोई नहीं बाद में आकर ले जाएंगे जब चलाने का मन करेगा, अभी फिलहाल जल्दी से सारी गाड़ियां अंदर लाते हैं। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने सारे के सारे ट्रक एंड ट्रेलर्स जो हैं इसके घर के अंदर लाकर पार्क कर दिए हैं। बस ये एक लास्ट ट्रक रह गया है, जल्दी से इसे भी ले जाकर पार्क कर देते हैं। वैसे यार अभी ना अपना काम खत्म नहीं हुआ, अभी ना इसके बाद हमें और भी काम करना है। जैसे कि ये जो रेड वाला ट्रक है ना, इसको हम लोग लेकर जाने वाले हैं लेस्टर के न्यू सीक्रेट बेस में। मतलब क्या, लेस्टर हमेशा कहता है कि उसके पास अब कोई भी छुपने के लिए जगह नहीं है या फिर सीक्रेट बेस नहीं है, बट वो मेरे को ऐसा लगता है कि हमेशा मजाक करता है। तो चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल जल्दी से इस ट्रक को यहाँ पर खड़ा करते हैं। बाकी यार देखो, बिना फिलहाल उस ट्रक को हम लोग वहाँ पर लेकर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर जितना भी गोल्ड है और जितने भी वेपन्स हैं उन सभी को संभाल के रखना है। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं एक नया रेस्टोरेंट खरीदने के लिए। अब ऐसा लेस्टर कह रहा है क्योंकि यार देखो, जितनी ज़्यादा हमारे पास शॉप्स होंगी, रेस्टोरेंट, बार या फिर कसिनोज होंगे, उतनी ज़्यादा हमारी कमाई होगी। बट कोई नहीं, अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग इस वाले ट्रक को उठाते हैं और जल्दी से निकल लेते हैं। वैसे यार इस टाइम पर ट्रेवर, बैनी एंड लमार हमारे साथ नहीं जाने वाले, क्योंकि लेसर जब भी अपने नए सीक्रेट बेस पे जाता है तो वो सबसे पहले हमें लेकर जाता है। बाकी यार ये कह रहा है कि बस तुम मेरा इतना सा काम कर दो, उसके बाद ना गाइस ये प्लान बनाएगा लॉस्ट गैंग का मुंह तोड़ने का और फ्रैंकलिन से बदला लेने का। ये कह रहा है कि हमें फ्रैंकलिन को मारना नहीं है, उसे वापस से ना समझाना पड़ेगा। हो सकता है कि उसे लॉस्ट गैंग के बंदों ने भड़का दिया हो हमारे खिलाफ, बट कोई नहीं, फ्रैंकलिन को हमें अपना वापस दोस्त बनाना है। बट यार वो तो हमें मारना चाहता है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा हमें क्या करना चाहिए। बाकी यार जल्दी से पहले चलते हैं न्यू सीक्रेट बेस पे। तो ओके गाइस, यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल पता नहीं कैसी कैसी गलियों से होते हुए हम लोग पहुंचने वाले हैं सीधा लेस्टर के न्यू सीक्रेट बेस पर। बट यार ये जो भी है काफी ज्यादा पतली गली है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा ट्रक यहाँ से बाहर कैसे निकल गया। वैसे यार देखो, लेफ्ट साइड में ना बैनी का गैराज है, तो शायद से आप लोग को थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि हम लोग किस जगह पर अभी घूम रहे हैं। तो बस ना अभी मुझे यहाँ वाले कट से राइट लेना है और हम लोग उस सीक्रेट बेस में पहुंच जाएंगे। तो यार देखो, सीधी सी बात है, अगर सीक्रेट बेस है तो सीक्रेट जगह पर भी तो होना चाहिए ना। बाकी अभी हम लोग फाइनली यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वही वाला गेट है, तो अभी जल्दी से हम लोग अपने ट्रक को यहीं पर खड़ा करते हैं। पहले ना एक बार अंदर होकर आ जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके ना जितना भी सामान है वो खैर लेस्टर कर देगा, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी। तो अपने ट्रक को यार हम लोग यहीं पर खड़े कर देते हैं। ये वाला जो गेट है ना, हमें इसके अंदर ही जाना है। अभी जल्दी से अंदर चलकर देखते हैं कि आखिरकार इसका सीक्रेट बेस कैसा है। पता नहीं यार ये कब में जगह खरीद लेता है और उसको पूरा का पूरा सीक्रेट बेस बना डालता है। वैसे भी जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं, ये जगह कितनी ज़्यादा गंदी है भाई। एक सेकेंड, ये लग रहा है कोई फैक्ट्री रही होगी काफ़ी टाइम पहले, उसी जगह को लेस्टर ने खरीद लिया है। ओके ठीक है, किसी को भी शक नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं और इस जगह पर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। बाकी ओ भाई साहब, ये क्या चीज़ है, एक सेकेंड, अब तो नीचे जाना बनता है भाई। मैं वही सोचूँ ये क्या है, पूरा का पूरा अंडरग्राउंड है, वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग इस वाले रूम के अंदर चलकर देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर इसने क्या बना रखा है। वैसे दो नॉर्मल से टेबल रखे हुए हैं और सूटकेस के अंदर कुछ तो मेरे को गलत आइटम लग रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। ये इधर सायरन किस लिए लगा रखा है मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, शायद से इधर किसी बंदे को टॉर्चर वॉर्चर करने के लिए रखा जाएगा। बट यार जो भी वो लेस्टर ने बनवाया है तो कुछ सोच समझ के बनवाया होगा, नहीं टॉर्चर करने के लिए यहाँ पर रखेंगे, ये जगह मेरे को उससे ज़्यादा बेटर लग रही है। बाकी थोड़ा, ओ भाई साहब अंदर तो पूरा का पूरा प्रिजन बना रखा है भाई, छोटा सा ही प्रिजन नहीं है, उन्होंने लॉकर बना रखे हैं। ओके, तो इसके अंदर किसी ना किसी को तो लाकर डालेगा भाई लेस्टर, मेरे को लग रहा है। ये जो सीक्रेट बेस है ना यार, अभी तक का सबसे बेस्ट और बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर किसी बंदे को टॉर्चर करने के लिए यहाँ पर लाएंगे ना, तो बीच रास्ते में उसकी हवा खराब हो जाएगी और सारा का सारा सच बाहर कर देगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। बाकी एक रूम और है यहाँ पर, ओ ये तो ऑफिस हो गया, चलो ठीक है। अभी ना फिलहाल गाइस जल्दी से हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि अभी ना लेस्टर शायद से सारा का सारा सामान अंदर रखवाने में लग गया है और मैं इधर अपना बाहर घूम रहा हूँ। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं सारी की सारी लैडर चढ़कर ग्राउंड फ्लोर पर वापस आ गया। और गाइस सही बताऊं, सीक्रेट बेस होना तो ऐसा हो, एक यार ये वाला सीक्रेट बेस मेरे को बहुत ज़्यादा तगड़ा लगा। और एक जो बिग माफिया के सन का था भाई, वो तो कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल था, पूरे के पूरे माउंट श्रीलाड़ के अंडरग्राउंड में उन्होंने बना रखा था। बाकी यार अभी ना फिलहाल लेस्टर ने यहाँ पर थोड़ा बहुत गोल्ड और थोड़े बहुत वेपन्स अंदर लाकर रख दिए हैं, बाकी काफ़ी सारी वेपन की किट बाहर भी रखी हुई है, तो अभी जल्दी से इन्हें भी अंदर रखवाना है, कोई हमें देख ना ले। बाकी यार वो देखो, लेस्टर अपना अंदर सारा सामान उतार रहा है। तो चलो गाइस, अभी
है फिलहाल जितना भी सामान ट्रक के अंदर था वो सारा का सारा उठाकर हमने अपने सीक्रेट बेस के अंदर शिफ्ट करवा दिया है। तो ये वाला जो रूम है ना गाइस, इसके अंदर जितना भी एमिनेशन का सामान है, जितनी भी वेपन किट्स है, उन सभी को लाकर हमने यहां पर रख दिया है। बाकी देखो जो गोल्ड की ट्रॉलीज है, वो तीन ट्रॉलीज तो नीचे जा चुकी है बट एक ट्रॉली ऊपर ही रहेगी। इसको ले जाने का टाइम नहीं था क्योंकि लास्ट नाइट में अपने घर पर वापस चला गया था और मैं सीधा वापस आया तो अपनी वाली जो गाड़ी है वो उस वाले मेंशन से वापस लेकर आया था क्योंकि मैं ट्रक में लोडेड भूल गया था। तो गाइस यार, वैसे यार आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि जब से लेस्टर दूसरी कंट्री से वापस आया है तब से ये सही तरीके से चलने लग गया। मुझे तो लग रहा है कि वहां पर जाकर ना इसने अपना ट्रीटमेंट करवा लिया होगा। मतलब यार इसकी टांग तो पूरी खराब हो चुकी थी और ये चलने की हालत में भी नहीं था। अभी फिलहाल ये थोड़ा स्लो चल रहा है बट चल पा रहा है, ज्यादा अच्छी बात है। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि जो रेस्टोरेंट हम लोग खरीदने के लिए जा रहे हैं ना, उस रेस्टोरेंट का नाम है बीन मशीन। वो अपने घर से काफी ज्यादा पास भी है और बहुत ज्यादा बड़ा रेस्टोरेंट है। अगर हम लोग उसे एक बार खरीद लेते हैं ना तो काफी ज्यादा इनकम अपनी वहां से भी हो जाएगी। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी लेकर सीधा बीन मशीन रेस्टोरेंट पर पहुंच चुके हैं जिसे हम लोग अभी बाय करने जा रहे हैं। फिलहाल ये वाला जो रेस्टोरेंट जिस बंदे का है ना, हमें उस बंदे को जाकर पेमेंट करनी है और फिर ये रेस्टोरेंट हमारा हो जाएगा। वैसे यार काफी सारे कस्टमर यहाँ पर है, लेस्टर सही कह रहा है, अगर हम इसे खरीद लेंगे तो काफी सारा पैसा हम लोग यहाँ से कमा सकते हैं। मैं सोचता था कि सिर्फ गाड़ियां बेच बेच के शोरूम से हम पैसा कमाएंगे। तो अभी जल्दी से एक बार शोरूम के अंदर चलते हैं देखने के लिए। स्टेयर्स ऊपर भी जा रही है, बाकी लॉबी तो काफी ज्यादा अच्छी बनाई है, मेरे को बहुत बढ़िया लग रही है। और सच्ची बताऊं, रियल में मेरे को इस टाइप के रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं कमेंट में जाकर जरूर बताना। फिलहाल अंदर रूम काफी ज्यादा बढ़िया बना रखा है, बेसिकली ये किचन या फिर सर्विंग एरिया टाइप है। बट कोई नहीं, अभी जल्दी से ऊपर चलते हैं। ऊपर चलकर एक बार देखते हैं आखिरकार इन्होंने क्या बना रखा है। ओह भाई, नीचे से ज्यादा बढ़िया तो इन्होंने ऊपर बना रखा है, बट चेयर काफी ज्यादा सस्ती क्वालिटी की लगाई है। इधर तो फरारी एंड शेवरलेट की बहुत ज्यादा बड़ी वॉल आर्ट भी लगी हुई है। अब तो हम लोग ये वाला रेस्टोरेंट पक्का खरीदने वाले हैं। वैसे यार देखो, बाहर की तरफ बालकनी में भी इन्होंने काफी ज्यादा बढ़िया स्पेस में चेयर्स एंड टेबल्स लगा रखी है, बट चेयर टेबल काफी ज्यादा ओल्ड थीम की है बट अच्छी है। तो चलो यार, अभी ना फिलहाल लेस्टर को बोल देते हैं कि हाँ भाई रेस्टोरेंट ठीक है, जल्दी से ले लेते हैं। बाकी यार देखो, अभी ना फिलहाल एक ही टाइम में अपना कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। लास्ट टाइम लेस्टर जो है स्टैचूज को बेच के काफी सारा गोल्ड ले आया, साथ में गोल्ड कार्स एंड गोल्ड सुपर बाइक्स लेकर आ चुका है। बाकी हमने ये वाला रेस्टोरेंट भी खरीद लिया और साथ ही न्यू सीक्रेट बेस भी ले लिया। मतलब क्या एक ही बार में इतनी सारी चीजें हो गई हैं, मेरे को लग रहा है कि गाइस अब हम लोग बहुत ज्यादा अमीर बनने वाले हैं। बस ये जो रेस्टोरेंट है चल जाए, अपना शोरूम भी चल जाए, गाड़ियां भी बिक जाए और सब कुछ हो जाए। तो चल भाई लेस्टर, अभी जल्दी चलते हैं हम लोग इस रेस्टोरेंट की पेमेंट करने के लिए। जिस बंदे का है ना, हमें उसे ले जाकर पेमेंट करनी है। बाकी जब गाड़ी आकर खड़ी हुई ना, तो मेरे को लगा कि रोल्स रॉयस फैंटम लिमोजिन आकर खड़ी हुई हो गई, बट ये फैंटम लिमोजिन नहीं थी, आगे से एकदम थोड़ी बहुत लगी थी। तो चलो कोई नहीं, फिलहाल जल्दी से हम लोग यहाँ से अपनी गाड़ी को शॉर्टकट लेकर चलते हैं सीधा उस जगह पे। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी मस्टैंग जीटी को फुल एकदम तगड़े शॉर्टकट से भगाता भगाता लेकर उसी जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर हमें उस रेस्टोरेंट की पेमेंट करनी है। तो अभी जल्दी से आगे वाले कट से मैं राइट मोड़ लेता हूँ, बाकी यहाँ से अपनी गाड़ी तो बाहर निकल जाएगी ना। ओके चलो ठीक है, अभी फाइनली हम लोग उस जगह पर पहुंचने वाले हैं। तो अभी जल्दी से यहाँ से मैं आगे चलता हूँ। बाकी ये जो आप सामने में राइट वाली बिल्डिंग देख पा रहे हो ना, हमें इसी के अंदर जाना है। बाकी एंट्री कहाँ से है? ओके एक, अरे तुम्हारी ऐसे हटो यहाँ से। वैसे हम लोग इतने ज्यादा बड़े बदमाश हो गए हैं, हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अभी ना गाइस देखो, इसी जगह पर को शायद से अंदर जाना है। ये है एंट्रेंस। ओ भाई, यहाँ पर एक सेकंड, ये गोलियां किसने चलाई? अबे भाई, लग रहा है वो बंदे बुरा मान गए हैं, पिस्तौल लेके साथ में घूम रहे थे। तो चलो यार, अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं। पहले गाड़ी का लॉक मैं खोल लेता हूँ, बट एक बार देख कर तो आखिरकार गोली चलाई किसने, इतनी ज्यादा हिम्मत किसके अंदर हो गई है। बाकी यार एक सेकंड, यहाँ से किसी ने गोली चलाई थी, ठीक है। ओ भाई साहब, यहाँ पर तो काफी सारे बंदे आगे की तरफ में। ओके तो गाइस, उस तरफ में से काफी सारे लॉस्ट गैंग के बंदे लग रहे हैं मेरे को। नहीं यार, ये लॉस्ट गैंग तो नहीं है, कुछ अलग सी मेरे को एक गैंग लग रही है। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल ये लोग तो सारे के सारे सामने से भाग कर आ गए हैं। अभी ना जल्दी से मैं पहले इस जगह के अंदर चलता हूँ, वरना यार बहुत ही ज्यादा गलत सीन हो जाएगा। एक सेकंड, तेरी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से। अभी ना फिलहाल यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि यार इधर ना लॉस्ट गैंग के बंदे पहले से प्लान बनाकर बैठे हुए थे कि जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे वैसे ये लोग हमें मार देंगे। बट यार ये आखिरकार इनको पता कैसे चला कि हम लोग यहीं पर आने वाले हैं? अबे मेरी मस्टैंग छोड़ दो, उससे दूर हो जा गंजे तेरी ऐसे की तैसी। भाई मेरी मस्टैंग पे गोली मार रहा है अबे। मतलब तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है। पहले ना ये लोग सिर्फ सामने से आ रहे थे, बट यार अभी ना इन लोगों ने पीछे से भी आना शुरू कर दिया है। तो पहले ना मुझे पीछे वाले बंदों को जाकर मार देना चाहिए, वरना ये बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देंगे। यहाँ पर एक बंदा तो था, इसको मैंने मार दिया है। बाकी और बंदे, ओके तो सामने से काफी सारे बंदे लग रहे हैं गाड़ियां लेकर आ रखे हैं और एक के बाद एक उतर कर आ रहे हैं। बाकी लेस्टर ना काफी ज्यादा बढ़िया जगह पर, निकल यहाँ से, लेस्टर को मारेगा। ओके बाकी एक सेकंड, पीछे से कोई मार रहा है बट मेरे को नजर नहीं आ रहा, घास वास के पीछे छुपा हुआ मेरे को लग रहा है। बाकी एक बंदा यार, तू भी निकल यहाँ से। एक सेकंड गाइस, मैं ना पहले आगे चलता हूँ, अपनी शॉटगन निकाल लेता हूँ और पीछे वाले जितने बंदे हैं ना उनको मेरे को मारना पड़ेगा। नहीं यार, पीछे बहुत
बहुत ज्यादा बंदे हैं, आगे वाले बंदों को ही मार लेते हैं। बाकी भी फिलहाल रुक जाओ, इसकी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से। और ये बंदा मेरी मस्टैंग पे गोली मार रहा था। ओ भाई साहब, इसने तो मस्टैंग ही ब्लास्ट कर दी, सीधा पेट्रोल वाली जगह पर इसने गोली मार दिया है और अपनी पूरी पूरी मस्टैंग यहाँ पर ब्लास्ट कर दी भाई। अभी ये लोग नहीं बचने वाले, पहले रुक जाओ यार, यहाँ पर आकर मैं छुपता हूँ। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल इन लोग से सामना करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तो ये टाइम सही नहीं है। वेगॉस गैंग को भी मैं कॉल कर नहीं बुला सकता अभी ना, जल्दी से मैं इस वाली गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ, स्टार्ट हो जा प्लीज। तो ओके, अभी ना फिलहाल गाड़ी तो स्टार्ट हो चुकी है और लेस्टर भी भाग कर आ चुका है गाड़ी में बैठने के लिए। अभी जल्दी से ना गाइस ये वाली गाड़ी मैं यहाँ से घुमा लेता हूँ और फटाफट से ना गाइस इस गाड़ी को लेकर हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। काफी सारे लॉस गैंग, ब्लास्ट गैंग, ग्रीन गैंग के बंदे यहाँ पर आ गए थे, बट अभी ना फिलहाल यहाँ से भाग नहीं सही रहेगा क्योंकि सीधी सी बात है वो लोग काफी सारे हैं। ट्रेवर को ना गाइस साथ लेकर आते हैं और अभी ना फिलहाल इन लोग का मूड बहुत ही बुरी है, मेरी तरह मैं तोड़ने वाला हूँ। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि हो सकता है ये जो अटैक है हमारे ऊपर फ्रैंकलिन ने ही करवाया हो, क्योंकि उसी के पास हमारा मोबाइल नंबर है और उसी को हैकिंग करनी भी आती है, तो सीधी सी बात है उसने हमारा मोबाइल नंबर ट्रेस करा होगा और हमारे पीछे पीछे लॉस्ट गैंग के बंदों को लगा दिया ताकि वो हमें अटैक करके मार दें। अब यार देखो, इस सीन के बाद ना लेस्टर कह रहा है कि फ्रैंकलिन का बहुत हो गया, अभी ना हमें इसे खत्म करना पड़ेगा, यानी इसे जान से मारना होगा वरना ये हमारा बहुत ज्यादा नुकसान कर देगा। मतलब यार देखो, सीधी सी बात है, अगर उसे पता चल गया ना कि हमारे पास गोल्ड कार्स भी है तो सीधी सी बात है वो उसे भी जाके ब्लास्ट कर देगा या फिर लॉस्ट गैंग से ब्लास्ट करवा देगा। और इस टाइम पर जो लॉस्ट गैंग है ना वो पूरी की पूरी फ्रैंकलिन के नीचे काम कर रही है, तो बात तो लेस्टर पूरी की पूरी सही कर रहा है और उसने भी तो हमारी मस्टैंग जीटी पूरी की पूरी ब्लास्ट कर दी, तो सीधी सी बात है बदला लेना तो बनता ही है। अभी ना गाइस एक काम करते हैं, यहीं पर अपनी गाड़ी रोकते हैं और फटाफट से ना ट्रेवर को भी बुला लेते हैं यहीं पर, हो सकेगा तो लमार को भी यहीं पर बुला लेंगे। तो चलो यार, अभी ना फिलहाल जल्दी से मैं अपनी गाड़ी अंदर लेकर चलता हूं, फटाफट से अपने मोबाइल फोन बाहर निकालता हूं और जल्दी से मैं ट्रेवर को कॉल लगाकर यहीं पर बुला लेता हूं वेपन्स के साथ, क्योंकि वेपन्स अपने जितने भी है वो सारे सीक्रेट बेस में है। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर ट्रैवर से भी बात हो चुकी है और गाइस यार वो कह रहा है कि वो बस सारे के सारे वेपन्स लेकर 10 मिनट में यहाँ पर पहुंच रहा है, उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं सीधा फ्रैंकलिन को खत्म करने के लिए। अब यार देखो, मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है उसे मारना, बट यार इस टाइम पर ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वरना यार वो हमें नहीं छोड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल लेस्टर ने अपना लैपटॉप बाहर निकाल लिया और गाइस यार ये ना इस टाइम पर फ्रैंकलिन के मोबाइल की लोकेशन हैक करने की कोशिश कर रहा है ताकि जैसी में वो लोकेशन मिले हम लोग वहां पर जाकर उसका मुंह तोड़ दें। यार देखो, फिलहाल ट्रेवर और लमार भी यहां पर अपनी गाड़ी लेकर आ चुके हैं और ये गाड़ी कहां से ले आए इतनी ज्यादा तगड़ी। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल ये दोनों भी अपना गाड़ी से बाहर निकलकर आ चुके हैं, अभी जल्दी से हम लोग लेस्टर के पास चलते हैं और देखते हैं आखिरकार क्या प्लान है फ्रैंकलिन को मारने के लिए। वैसे यार देखो, मैं तो चाह रहा हूं कि हम लोग फ्रैंकलिन को ना मारें क्योंकि यार वो अपना काफी ज्यादा पुराना दोस्त है, अगर हम उसे समझा कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी एक बार लेस्टर से बात करते हैं और पूछते हैं आखिरकार क्या प्लान है। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस यार मैंने इसको बोला था कि अगर हम लोग फ्रैंकलिन को ना मारें उसको लेकर आकर समझा दे तो बढ़िया रहेगा, बट यार ये कह रहा है कि अभी कुछ भी हो जाए अब बस फ्रैंकलिन को हमें मारना ही है और अगर हम लोग नहीं मारेंगे तो लेस्टर खुद जाकर उसे मार देगा। वैसे यार देखो, सीधी सी बात है, लेस्टर अगर कह रहा है तो वो काम हमें करना ही पड़ेगा और अगर हम लोग नहीं मारेंगे उसको तो वो हो सकता है कि हमें मरवा दे या फिर हमारी गाड़ियां ब्लास्ट करवा दे, कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए काम करना भी जरूरी है। अभी फिलहाल लेस्टर हमारी जो गाड़ी है उसे ट्रैक करेगा और गाइस यार लेस्टर कह रहा है कि फ्रैंकलिन इस टाइम पर अपने घर पर ही है, उसके मोबाइल फोन की लोकेशन उसने ट्रैक करके ऐसा पता करा है। बाकी ये कह रहा है कि वहां पर जाने से पहले एक काम करना, एक गाड़ी है जो कि इसने ना अपने एक सीक्रेट गैराज में खड़ी कर रखी है, तो वहां से पहले हमें वो वाली गाड़ी लेनी है, उसके बाद जाना है सीधा फ्रैंकलिन को मारने के लिए। अब सबसे पहले ये वाली गाड़ी मैं यहां से उतार लेता हूं। ओके, आराम से अभी जल्दी से मैंने निकाल लिया है। बाकी यार देखो, अब टाइम आ चुका है भाई फ्रैंकलिन को मारने का, मुझे नहीं पता था कि कभी हमें ऐसा भी करना पड़ेगा, बट ये सारी की सारी गलती फ्रैंकलिन की है, तो चलो नहीं। बाकी इस टाइम पर ना उसके साथ लॉस्ट गैंग के बंदे ना हो, बट अगर होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने साथ ट्रेवर भी है, बहुत तगड़े तगड़े वेपन्स भी है लेकर आ गया है, अब पता नहीं कहां से लाया बट जो भी है अपने पास वेपन्स की भी कोई कमी नहीं है और बंदों की भी। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा लेस्टर के न्यू सीक्रेट गैराज में पहुंचने वाला हूं जहां से उसने मैं वो गाड़ी लेने के लिए बोला था। अब यार देखो, अपनी गाड़ी को मैं इतनी ज्यादा पतली पतली गलियों से इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि इस टाइम पर जो अपना मोबाइल फोन है उसको तो हमने स्विच ऑफ कर दिया है ताकि फ्रैंकलिन हमारी लोकेशन दोबारा से ट्रेस ना कर पाए, बट ऐसा भी हो सकता है कि उसने हमारे पीछे लॉस्ट गैंग, ब्लास्ट गैंग के बंदों को लगा रखा हो ताकि वो हमारी लोकेशन ट्रेस करके या फिर हमारा पीछा करके उन्हें दे दें, तो इसीलिए एकदम अलग अलग रस्तों से आए ताकि उन्हें कुछ भी पता ना चले। अभी तक तो फिलहाल कोई भी हमारे पीछे नहीं था, तो इसी बात है किसी को नहीं पता होगा हम लोग यहाँ पर हैं। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमें लेस्टर ने आने के लिए कहा था। बाकी यार आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, ये गाड़ी कितनी ज्यादा लंबी है और कितनी ज्यादा तगड़ी है। अब यार ये गाड़ी हम लोग लेकर जाएंगे फ्रैंकलिन को मारने के लिए, वो भी इसका मतलब लेस्टर को भी पता है कि इस टाइम पर उसके पास बहुत ज्यादा तगड़ी फोर्स है। इस टाइम पर लमार जो है पीछे जा चुका है। ओके, तो पीछे जो मिनी गन लगी हुई है उसको लमार चलाने वाला है, बाकी ड्राइवर भी अपना गाड़ी में बैठ गया है। अभी ना गाइस
जल्दी से गाड़ी निकालते हैं। लेस्टर कह रहा है कि वो अपने घर पर ही है, तो भी इस गाड़ी को ना उसके घर पर लेकर जाएंगे और पूरा का पूरा घर तबाह कर देंगे। बट उससे पहले ना गाइस उसका मुंह तोड़ेंगे। मेरे को तो लग रहा है उसके घर पर लॉस गैंग के बंदे जरूर होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अकेला हो, और वो जो ऊपर वाला घर दिख रहा है ना, शायद से वही उसका घर है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा फ्रैंकलिन के घर पर पहुंचने वाला हूँ। और गाइस यार वो टाइम आ चुका है जब हम लोग अपने सबसे प्यारे दोस्त फ्रैंकलिन को मारने जा रहे हैं। अब यार देखो, मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी कुछ होगा, बट यार देखो अभी ना फिलहाल ये काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस यार देखो, जो मैं नहीं चाहता था वही हुआ। मैं सोच ही रहा था कि काश यार यहाँ पर लॉस्ट गैंग के बंदे ना हो, ये काम आसानी से हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जब से फ्रैंकलिन ने लॉस्ट गैंग ज्वाइन करी है ना, ये सारे के सारे बंदों को अपने साथ रखता है अपनी सिक्योरिटी के लिए। चलो कोई नहीं, मैं फिलहाल जल्दी से अंदर आ जाओ। गाड़ी के अंदर भी बहुत तगड़े वेपन लगे हैं, बट हम लोग मुकाबला एकदम बराबरी का करेंगे। ओके, तो ये लोग सारे के सारे यहाँ पर आ रखे हैं। कोई नहीं, तुम्हारी ऐसे की तैसे, तुम्हें इन्हीं के चक्कर में गए, सारा का सारा काम खराब हुआ है। ओ भाई साहब, यहाँ पर पिस्टल चलाने लग गया आज तो। उस दिन तक तो इनके पास कोई भी गन नहीं थी। अभी फिलहाल ना पहले इनको मारना पड़ेगा। भाग के कहाँ जा रहा तेरी ऐसे की तैसी? अच्छा खासा बाहर अपना ये लोग जिम कर रहे थे, दो तीन बंदे भाग के बाहर चले गए हैं। ओके, तो वो जा रहा इधर आ तेरी ऐसे की तैसे, निकल यहाँ से। तो चलो अभी फिलहाल इनको मैंने मार दिया है। अभी ना गाइस जल्दी से हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं। तो चलो गाइस सर, अभी ना फिलहाल यहाँ पर ड्राइवर को तो मैंने नीचे वाले फ्लोर पर जाकर चेक करने के लिए बोल दिया है, बाकी मैं ऊपर वाले फ्लोर पर फ्रैंकलिन को ढूंढ रहा हूँ। तो देख ले भाई, जहाँ पर भी अब बाहर आ जा, अब उसके मरने का टाइम आ गया है। बाकी ड्राइवर किससे लड़कर आ रहा है मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। मुझे पता क्या लग रहा है गाइस कि यहाँ पर काफी सारे लॉस्ट गैंग के बंदे हैं। कोई तो गोली चला रहा है यार छुप के, बट नजर नहीं आ रहा। एक सेकंड, ओ भाई साहब यहाँ पर किसी ने तो, ओ भाई अच्छा नीचे काफी सारे बंदे हैं। तुम्हारी ऐसी दस ही निकलो यहाँ से। अभी गाइस यहाँ पर छुपना पड़ेगा, ढेर सारे बंदे यहाँ पर आ चुके हैं। शॉर्ट गन पहले बाहर निकाल लेता हूँ। अब नहीं यार ऐसे काम नहीं होगा। वहाँ एक सिलेंडर पड़ा है, ओल्ले भाई सिलेंडर पर गोली मारी और दोनों के दोनों बंदे उड़ के जाकर गिरे हैं। बट यहाँ पर ना गाइस अभी सबको मारना पड़ेगा। मुझे ना गाइस पहले एक अजोल्ट राइफल चाहिए, तभी मैं इन लोग को मारूंगा। और ये इतने सारे बंदे नीचे क्या कर रहे हैं मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा भाई। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी फ्रैंकलिन अपने साथ लेकर चल रहा है। लमार कहाँ पर है भाई, उसको कोई ना मार दे। काफी ज्यादा बढ़िया बंदा है, उसने अपनी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। ओके, तो अंदर आ गए हैं घर के काफी सारे बंदे। चलो कोई नहीं, अब तो मैं कन्फर्म हूँ कि फ्रैंकलिन यहीं पर है और नीचे है। रुक जाओ, यहाँ पर ये फ्रैंकलिन को मारने की कोशिश कर रही थी, इसको मैंने मार दिया। अबे पुलिस कहाँ से आ गई? एक सेकंड, पुलिस भी अपने साथ कर रखे। बहुत सही, बहुत बढ़िया मारा भाई। पुलिस वाले भी अपने साथ बैठा रखे हैं इन लोगों ने तो। एक सेकंड, निकल यहाँ से। बहुत सही, और उसको भी मारा इसकी ऐसे की तरह, भाग यहाँ से। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल लमार और ट्रेवर ने ना नीचे जाकर काफी सारे लॉस्ट गैंग के बंदों को मार दिया है। बट यार अभी ना फिलहाल हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ना पूरा का पूरा घर चेक कर लिया, बट यहाँ पर फ्रैंकलिन नहीं है। ऊपर वाला फ्लोर मैंने चेक कर लिया, नीचे वाला फ्लोर ट्रेवर ने चेक कर लिया। अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पर निकलते हैं। मुझे मालूम है फ्रैंकलिन कहाँ पर होगा, उसने ना बस अपना मोबाइल फोन यहाँ पर रखा हुआ है। बाकी काफी सारे पुलिस वाले यहाँ पर आ गए हैं। ओके, मारो इनको ऐसे की तैसे इनकी। अभी जल्दी से ना गाइस यहाँ से बाहर निकलना पड़े। ओ भाई साहब, पूरी की पूरी स्वैट यहाँ पर आ रखे। रुक जाओ, ओ ओ एक सेकेंड, अभी एक के भी गोली नहीं पड़ी है। जल्दी से मैं अपनी गाड़ी में बैठ चुका हूँ। ओ भाई साहब, ट्रेवर गलत जगह बैठ गए, और अभी ना ये लोग बचने नहीं वाले। मार सबको इनकी ऐसे की तैसे। बाकी लामार भी आ गया भाग के। जल्दी 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 बैठ। ओके, सामने भी बंदे आ गए हैं, इनको तो मैं देख लूंगा। चलो तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल लमार अपनी गाड़ी में आकर बैठ चुका है। भाई लॉस्ट गैंग के बंदे ना कसम से बहुत ज्यादा ही पागल हैं। भाई हमें पहले ही बता देते कि यहाँ पर फ्रैंकलिन नहीं है, हम लोग चुपचाप से यहाँ से निकल जाते। बट कोई नहीं यार, वो लोग भी अपना काम कर रहे थे। पुलिस वालों को देखो कैसे हमारे पीछे पड़ गए हैं, बट उनको मालूम नहीं है गाड़ी इतनी ज्यादा तगड़ी है ना, एक टक्कर दे दी तो पता नहीं चलेगा कहाँ पहुंचोगे। निकलो यहाँ से, तुम्हारी ऐसे ज्यादा उछल रहे हैं, आग हिलाकर खड़ी कर दी। बाकी ट्रेवर को देखो भाई कैसे लगा हुआ है, उसके जो बैग है ना उसके अंदर काफी सारे बॉम्ब है, काफी सारी एमो और बहुत तगड़ी तगड़ी गन्स भी है, जिसको मैंने अभी तक लेकर यूज भी नहीं करा है। बट कोई नहीं, अभी तो फिलहाल यहाँ पर फ्रैंकलिन नहीं था। और ये भाई कहाँ कहाँ इन्होंने अपने बंदे छोड़ रखे, तीर यहाँ हमें मारोगे? ओके, तो इन दोनों को मैंने मार दिया है। बट ये पुलिस वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ, इसका जो ड्राइवर है ना उसके मत्थे पे गोली बजाऊंगा तो शायद से मामला शांत होगा। एक के पड़ गई, दूसरे के भी गोली बजा दी। चलो अभी मामला थोड़ा शांत है। अभी ना गाइस जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं सीधा किसी सेफ जगह पे। तो गाइस यार देखो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर किसी सेफ लोकेशन पर छुपने के लिए नहीं जा रहा, मैं इस टाइम पर जा रहा हूँ सीधा फ्रैंकलिन के ऊपर अटैक करने, लॉस्ट गैंग के तीसरे गैंग बेस पे, जहाँ पर हमारी लास्ट टाइम फ्रैंकलिन से फाइट हुई थी। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है वो वहीं ऊपर होगा, वैसे लग नहीं रहा, वो 100% वहीं पर होगा। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर वहीं पर पहुंचने वाला हूं। बस मुझे इस वाले कट से राइट लेकर अपनी गाड़ी को यहां से एकदम सीधा भगाना है। बाकी इतने ज्यादा डेंजरस रास्ते से भी मैंने अपनी गाड़ी को
बिना ठोके निकाल लिया। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ से राइट मोड़ते हैं। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, उधर ना लॉस्ट गैंग के बंदों की तो वैन खड़ी हुई है, बट साथ के साथ ना दो बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर ट्रक भी खड़े हुए हैं। तो जहां तक मुझे लग रहा है ना गाइस, उधर बहुत ज्यादा डेंजरस सीन है। एक काम करते गाइस, वहां पर जाने से पहले ना, हाँ यहाँ पर लैडर्स है, तो एक काम करते हैं, इस वाली बिल्डिंग के ऊपर चलकर एक बार देख लेते हैं क्या सीन है। फिलहाल इन दोनों को मैंने यहीं पर रुके रहने के लिए बोल दिया है, क्योंकि अगर तीनों लोग ऊपर जाएंगे तो हो सकता है हम लोग उनको नजर आ जाए। अब यार देखो, जब हम लोगों ने उनके ऊपर अटैक नहीं करा था, उससे पहले उन्होंने यहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी रखी थी, और लास्ट डे हमने उनके ऊपर अटैक भी करा था, फ्रैंकलिन के घर पर भी अटैक कर दिया था। तो मुझे लग रहा है गाइस, यहाँ पर काफी सारे गैंग मेंबर्स आ चुके हैं जो कि बराबरी का मुकाबला करेंगे और हमें भी मार सकते हैं। बाकी अभी ना फिलहाल मैं छत पे इसलिए आया हूँ ताकि ना एक बार मैं अपने मोबाइल फोन से जूम करके देख लूँ कि आखिरकार वहाँ पर क्या सीन है। ओके, तो अभी फिलहाल अपना कैमरा ऑन हो चुका है। और गाइस यार ये देखो, यहाँ पर रोड इन्होंने ब्लॉक कर दिया है और काफी सारे बंदे ओपनली घूम रहे हैं। सामने की तरफ में एक बंदा, ओ भाई साहब, आरपीजी लेके घूम रहा है। ओ तेरे की, वही मैं सोचूं कि यार इसके हाथ में कौन सी गन है। छत पे भी काफी सारे बंदे हैं। तो गाइस यार आज तो अंदर जाना एक टाइप से इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं पता कि इन गाड़ियों में वेपन्स है या फिर नहीं है, बट गाड़ियां बहुत ज्यादा तगड़ी है। बट यार देखो, फ्रैंकलिन को मारना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी ना गाइस जल्दी से नीचे चलते हैं। मेरे दिमाग में ना बहुत ज्यादा तगड़ा आइडिया आया है और ये बहुत ज्यादा रिस्की है। ओ, एक सेकंड, अभी तो गलती से मैं नीचे कूद जाता था, वो तो सही टाइम पर मैं लेफ्ट घूम गया। ओ भाई, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी ज्यादा ऊंचाई पर आया हूं। अभी जल्दी से ना गाइस यार, ये वाली लैडर से हम लोग नीचे उतरते हैं फटाफट से, और गाड़ी लेकर ना गाइस अभी मैं एंट्रेंस करने वाला हूं, वो भी पीछे से, और एकदम स्नीक करके मैं अंदर जाऊंगा और जाके सीधा फ्रैंकलिन को मार के चुपचाप वहां से निकल जाऊंगा। बट जितनी आसानी से मैंने बोला है ना, ये काम इतना ज्यादा आसान नहीं है। बाकी ट्रेवर और लामार जो है अपने बैकअप के लिए हैं, अगर मैं अंदर फंस जाता हूं या फिर लॉस गैंग के बंदों को मेरे ऊपर शक हो जाता है तो उस टाइम पर ये लोग बाहर निकलकर अटैक करेंगे। अभी जल्दी से ना गाइस, मैंने अपनी गाड़ी मोड़ ली, और एक तो एक गाड़ी इतनी ज्यादा लंबी है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मिनी बस जला रहा हूँ। बट कोई नहीं, अभी मुझे आगे वाले कट से लेफ्ट लेना है। हाँ, तो ये वाले कट पर उन लोग का बेस है, और एक काम करता हूँ मैं ना गाइस, अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग, ओके नहीं, ये तो वही वाली स्ट्रीट है जिससे उनके बेस की एंट्रेंस है। तो मुझे ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढना है कि मैं उनके बेस में चले जाऊं और किसी को मालूम ही ना पड़े। तो यहाँ से कोई ना कोई रास्ता तो जरूर, ओके, तो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल इन दोनों को मैंने यहीं पर रुके रहने के लिए बोल दिया है। ये जो काम है मैं अकेले ही करने वाला हूं, और जैसे मेरे को कोई दिक्कत आएगी ना, तब ये लोग मेरी हेल्प के लिए आएंगे। अब यार बस ना मुझे यहाँ से अंदर जाने का या फिर उनके सीक्रेट बेस तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए, क्योंकि मैंने वहां से देखा था ना, उनका एक गेट था जो कि पीछे से खुला हुआ था, बट ये वाला गेट तो इन्होंने लॉक कर रखा है। मुझे मालूम था ये गेट उस टाइम पर भी लॉक था। अभी जल्दी से ना हम लोग यहाँ पर ऊपर चलते हैं। ओके, तो यहां से हम लोग ऊपर आ सकते हैं, बट छत पे भी तो उनके काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड थे, और एक गार्ड यहां पर सामने खड़ा हुआ है। एक काम करते हैं गाइस, जल्दी से ना अपना नाइफ, यहां पर नाइफ नहीं, ये पिस्तल गलती से मैंने निकाल ली। ओके, तो भी फिलहाल मैंने अपना नाइफ यहां पर बाहर निकाल दिया है, एकदम चुपचाप से ना इसको मारना है, और उसे बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। कैसे निकलना है, शोर मत मचाइए। ओह भाई, बहुत बढ़िया, किसी को पता भी नहीं चलेगा हमने कुछ करा। अपना बेचारे के गले पे चाकू मारा और सीधा खुद ही नीचे जाके गिर गया। अभी ना सामने की तरफ में एक बंदा और खड़ा हुआ है, वैसे मैं इसको ना भी मारू तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मार दूंगा तो ज्यादा बढ़िया। एक सेकंड, चुपचाप से बेचारे का ध्यान सारा का सारा पेड़ पर बैठी चिड़िया पर है। ओके, तो यहां पर तुम लॉस्ट गैंग के बंदे ही चूर है। ओके, तो चलो इसको भी मार दो बहुत बुरी तरह। बाकी इसका ब्लड कैसे गिरा, ओके, तो ये जगह काफी ज्यादा सही है। और गाइस फाइनली समझ लो, अपना काम आधे से ज्यादा हो गया, बट ऊपर भी एक बंदा, रुक जाओ, इसको भी मार देता हूं, कहीं अगर इसने मेरे को स्टेयर से उतरले हुए देख लिया ना तो गड़बड़ हो सकती है। चुपचाप से इसके पीछे चलते हैं। और गाइस अभी ना फिलहाल लास्ट बंदे का भी मैं काम तमाम करने जा रहा हूं। तो 3-2-1 निकल यहां से। 3-2-1 होने से पहले ही मार दिया, शायद से वो जो नीचे बंदा है ना उसने मुझे देख लिया है। ओके, तो एक बार मैं पहले चेक कर लेता हूं। फिलहाल वो देख तो ऊपर की तरफ में ही रहा है, बट उसको ना कोई भी शक नहीं है। तो चलो अभी फिलहाल हम लोग यहां से जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इधर की तरफ में ना कुछ लैडर्स है, बस इस वाली लैडर से मेरे को नीचे उतरना है और फिर अपना काम हो जाएगा। बाकी एक बंदा यहां पर आरपीजी, यार इधर ही आ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, इसको मेरा हाथ भी दिख जाएगा तो शक कर लेगा। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, बिना फिलहाल एक बंदा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ चुका है। मुझे नहीं पता कि ये क्या करने आया, शायद से इसको मेरे ऊपर शक हो रहा है। तेरी ऐसे की तैसे निकल यहां से। सही टाइम पर गाइस मैंने इसकी बजा दिया। अभी ना यहां पर दोबारा से छुप जाते हैं। अच्छी बात तो ये है कि वो जो बंदा सामने खड़ा हुआ है ना, उसने अभी भी मेरे को नहीं देखा। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल रास्ता एकदम पूरा का पूरा साफ है, मेरे को यहां पर कोई भी लॉस गैंग का बंदा नजर नहीं आ रहा। अभी ना गाइस जल्दी से हम लोग यहां पर ये वाली जो लैडर्स है इसे उतर लेते हैं। बाकी मैंने ये सही करा कि मैं सीधा जंप मार के नीचे आ गया हूं। सामने की तरफ में एक बंदा है जो कि अभी पीछे ही है। तो चलो यार, अभी ना जल्दी से हम लोग यहां पर अंदर चल लेते हैं। बाकी मैं काफी ज्यादा सेफली अंदर आ चुका हूं, और यहां पर कोई भी बंदा मेरे को नजर नहीं आ रहा था, बट सामने एक बंदा खड़ा हुआ है। पहले ना एक बार मैं अंदर चल लेता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से कोई बंदा मेरे को आकर मार दे। बाकी उतरी, यहां पर तो एक बंदा खड़ा हुआ, तेरी ऐसे निकल यहां से। सही टाइम पर मैंने इसे, चुपचाप मर जाया करो भाई, चिल्लाया मत करो।
करो। तो ओके अभी फिलहाल मैंने इसको मार दिया है, बाकी ओ भाई गड़बड़ हो गई, यहाँ पर एक बंदा और है, रुक जाओ। बट ये मेरे को सही हालत में नहीं लग रहा है, या तो इसका पेट खराब है या तो इसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया। सर 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 मुझे पता आपको बिल्कुल होश नहीं है, इसलिए ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। ओके तो बेचारे इसको तो मैंने चुपचाप में ही मार दिया है। अभी एक काम करता हूँ, अपना नाइफ ही बाहर रखते हैं, इससे मैं काफी ज्यादा साइलेंटली बंदों को मार पा रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल अपना मेन टारगेट बस फ्रैंक ही लेना है। यहाँ पर मैं इन फालतू बंदों से फाइट करने नहीं आया हूँ, मुझे ना बस उसे ढूंढना है आखिरकार वो कौन से रूम में है और उसके पास आज कोई भी वेपन हो, बस वहां जाकर ना उसको मार देना है। ओके तो यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, बेटा पता नहीं करोगे कि आखिरकार कौन आ गया, और तेरी ऐसी दसी तू ज्यादा उछल रहा है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल इस बंदे का ना कुछ ज्यादा ही होगा, बस पीछे वाले बंदे को ना कुछ पता ना चले। बाकी तो यहाँ पर बोतल फूट गई तब भी इसको होश नहीं, अबे निकल यहाँ से, बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया सर आपने पता करने में कि आखिरकार पीछे तमाशा क्या चल रहा है। ओके तो इसको भी मैंने मार दिया, मामला एकदम शांत चल रहा है, बस मुझे ना इसी तरीके से सारा काम करते जाना है। इधर की तरफ में ये जो ग्लास है ना यहाँ से आर पार का दिख जाता, बट काफी ज्यादा गंदे हैं। और सर यहाँ पर क्या गाड़ी का डोर देखने आए हो? ओके निकलो, चुप चुप चुप, आराम से कोई शोर नहीं मचेगा, एकदम आराम से। सर 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 वेल्डिंग करते रहो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको भी एकदम आराम से लपेटेंगे, चल निकल यहाँ से। तो चलो अभी फिलहाल इसको भी मैंने मार दिया है अंदर की तरफ में। ओके तो यहाँ पर वो बंदा खड़े होकर बियर पी रहा है, एक बार ही ना दूर से देख लेता हूँ क्या सीन है। वैसे अगर उसका ध्यान उधर है तो हमारा काम आराम से हो जाएगा। पता चल गया था सर आपको बट लेट। ओके तो एक बंदा नीचे बैठा हो, लो भाई यहाँ पर बंदे अगर सारे के सारे ऐसे रहे तो काफी ज्यादा बढ़िया काम हो जाता है। होश में है भाई तू? एक सेकंड रुक जाओ, कुछ कर लेगा मेरा तीर, निकल यहाँ से। ओके एक ही में ढेर, अभी फिलहाल देखो आधे से ज्यादा लॉस गैंग तो यूं ही खत्म हो चुकी है। मतलब यार मुझे पता नहीं था कि इतनी ज्यादा भी पागल होगी, मुझे लग रहा था कि कल यार इनके बेस पर अटैक हुआ है तो आज काफी ज्यादा सिक्योरिटी होगी। मतलब यार सिक्योरिटी है बट सिर्फ और सिर्फ बेस के बाहर, अंदर तो फालतू के बंदे बस बैठे हुए हैं। इस वाले रूम के अंदर फ्रैंकलिन है क्या? ओके तो यहाँ पर भाई सब गन्स के एमो चेक कर रहे हो, एक सेकंड निकल यहाँ से। इसको भी मैंने मारा, बाकी तू भी निकल यहाँ से। ओ भाई भाई क्या ही लगी है बेचारों के भाई। ओ तेरे भाई गंजे तेरे में जान बहुत ज्यादा है, निकल यहाँ से, अभी तो तेरे दो पड़ेंगी ठीक है। बाकी यार ये जो इनका रूम है ना इसमें पूरी की पूरी गन्स और एम्यूनेशन है। चलो फिलहाल यहाँ पर अपने पास ये जितना भी सामान है ना गाइस बस ये अपना होने वाला है। बट एक बार ना सबसे पहले फ्रैंकलिन को मार रहे थे। पुलिस वुलिस को कौन बुला रहा है? ये लोग यहाँ पर क्या करने आए हुए हैं? तुम्हारी तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि इन लोग का काम क्या है यहाँ पर। उठने की कोई जरूरत नहीं, दोबारा चुपचाप लेटे रहे, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। यहाँ पर इन बंदों का तो ठीक है समझ आता है, बट ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ओके तो यहाँ पर एक और बंदा है, अब कोई तो ध्यान दे लो, कुछ पता ही नहीं है किसी को कि चल कर उतरी भाई साहब। एक सेकंड गाइस, तो गाइस यार देखो इन लोगों में तो बहुत ज्यादा जान है और ये दोनों ना घूम घूम के मेरे रख रख के बजा रहे हैं। बट अभी ना बारी मेरी है, अब इन दोनों के ना जो पड़ेगी ना नाइफ इनको मैं बताता हूँ यार। लेकिन इन लोगों ने ना शोर मचा दिया, अब मेरे को लग रहा है बाकी बंदों को, अबे चुप हो जा भाई कितना चिल्लाएगा। एक सेकंड यार, एक तो मरने का नाम नहीं ले रहा है ऊपर से चिल्लाया जा रहा है। अबे भाई मेरे को लग रहा है गाइस पिस्तल चलानी पड़ेगी। ये वाला जो रूम है ना इसके अंदर जितनी भी गन्स इनकी बन जाती है ये यहाँ पर लाकर पैक कर देते हैं, या फिर पता नहीं सारी इंपॉर्टेंट गन है। अबे मर जा भाई, एक सेकंड रुक जाओ गाइस, अभी बहुत हो गया, सारी फाड़ना पड़ेगा। तो गाइस यार देखो ये जो दोनों बंदे हैं ना ये कोई नॉर्मल बंदे नहीं है, ये लॉस्ट गैंग के मेरे को सबसे तगड़े बंदे लग रहे थे। एक ही बेसबॉल बैट में दोनों ढेर हो गए। लो भाई अभी तक तो इन्होंने बहुत बुरी तरह मारा था, बट यार इनके चक्कर में बाकी किसी को शक ना हो जाए, मेरे को तो डर इस बात का लग रहा है। अभी चुपचाप से अंदर चलते हैं, अगर ये आज मैं नाइफ ना लेकर आता ना तो सीधी सी बात है बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि बाहर जो सिक्योरिटी है सबके पास आरपीजी है और अगर वो अंदर आ जाती ना तो काम खराब हो जाता। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पर भी एक बंदा खड़ा हुआ है। ओले भाई इसका भी ध्यान है भाई, सारे के सारे काम काजी बंदे हैं, किसी का ध्यान ओ तेरी तेरे में भी जान ज्यादा है, चल निकल यहाँ से। इसको मैंने मारा, बाकी ओके तो यहाँ पर गाइस यार ये लोग पता है क्या कर रहे हैं? इनका लग रहा है ड्रग्स वगैरह का बिजनेस है। मतलब यार फ्रैंकलिन ने लग रहा है लॉस्ट गैंग इसीलिए ज्वाइन करी थी ताकि यार वो ज्यादा अमीर बन पाए, क्योंकि यार इस चीज से बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, बट ये काम थोड़ा गलत है। अभी फिलहाल यार यहाँ पर भी फ्रैंकलिन लिया है, लास्ट टाइम इसी रूम के अंदर हमने उसे देखा था। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं फ्रैंकलिन को ढूंढने कहां पर जाऊंगा। बट गाइस यार एक सेकंड, ये कोई डोर है क्या? ओ तेरे की सीक्रेट बेस के अंदर सीक्रेट रूम जो कि नजर भी नहीं आ रहा था। तो चलो यार अभी ना फिलहाल जल्दी से इसे मैं ओपन करता हूं, बट एक सेकंड अंदर यार कोई ना कोई तो बंदा है। ओ भाई ये तो यार कोई काफी ज्यादा खतरनाक बंदा लग रहा है, क्योंकि गाइस इसके साथ में ना इसके 2-3 गार्ड्स खड़े हुए हैं, तो सीधी सी बात है ये कोई लॉस्ट गैंग का नॉर्मल बंदा नहीं है। और जहां तक मुझे लग रहा है ना इसको पक्का पता होगा कि आखिरकार फ्रैंकलिन कहां पर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रैंकलिन अंदर ही कहीं कोने में छुप के बैठा हो। बट कोई नहीं, अभी ना फिलहाल यहां पर इसके गार्ड्स को मेरे को मारना पड़ेगा क्योंकि उनके पास गन्स है, और अगर मैं एक को भी मारता हूं नॉर्मल जाके नाइफ तो सीधी सी बात है बाकी सारे मेरे ऊपर फायर कर देंगे। तो यहां पर ओ तेरी ये तो डर ही गया। ओ ओ ओ एक सेकंड भाई, तो तुम्हारी ऐसी गलती से मैंने उसी की गोली मार दी। बाकी वो
बंदा पूरी शील्ड विल्ड पहन के घूम रहा है। तो गाइस अभी ना फिलहाल ये लोग अपना ना एकदम साइड में जाकर छुप चुके हैं। पहले मैं इसके गार्ड को मारूंगा और गाइस अभी ना फिलहाल मुझे इन्हें से बेहोश करना पड़ेगा, या तो इससे पिस्तल छीननी पड़ेगी। बट एक काम करता हूँ, अपना नाइफ निकालता हूँ, जाकर ना इसके मत्थे पे भजा दूंगा। इसे नाइफ से नहीं, इसको अगर मैं बेहोश करके यहाँ से ले जाऊंगा और अगर आराम से पूछूंगा ना तो ये मेरे को बता देगा कि आखिरकार फ्रैंकलिन कहाँ पर है। बट यार ये तो कंटिन्यूअसली पिस्तल चलाए जा रहा है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल ये मेरे ऊपर एकदम दबा के फायर करे जा रहा है और ये जैसे रीलोड लगाएगा ना वैसे ही मैं अपना बेसबॉल बैट निकाल के ले जाके इसके सर पे बजा दूंगा। बट ये बंदा ना काफी ज्यादा समझदार है, इसने देख लिया कि मैं अंदर नहीं आ रहा हूं और इसीलिए फायर भी नहीं कर रहा। तेरी ऐसी की निकल यहां से। अभी फिलहाल एक ही मैंने इसके रख के मारे, बेहोश मत हो जाएगी, ओ तेरी जान तो बहुत ज्यादा है, एक और खा यहां से। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो बिना फिलहाल दो तीन बेसबॉल बैट मैंने इसके रख रख के बजा दिया है और शायद से ये अभी बेहोश हो चुका है। तो चलो अभी फिलहाल इसके सिर से खून निकलने लग गया, बट अच्छी बात है कि ये मरा नहीं। अभी ना गाइस जल्दी से एक काम करता हूं, ट्रेवर और लमार को बोल देता हूं कि रास्ता एकदम क्लियर रखो, मैं एक बंदे को लेकर आ रहा हूं, इसे बस लेकर यहां से निकलना है। बट उससे पहले ना गाइस एक बारी मैं लेस्टर को भी कॉल कर देता हूं, उसको पूरा का पूरा सीन बता देते हैं और देखते हैं वो क्या कहता है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो बिना फिलहाल इस बंदे को उठाकर मैंने अपनी बैक पर कैरी कर लिया है। अभी जल्दी से ना इसे मैं यहां से लेकर निकलता हूं और यार सच्ची में ये बंदा काफी ज्यादा भारी है, जब से इसको उठाया ना भाई तब से ढंग से चल नहीं पा रहा हूं। अभी ना गाइस जल्दी से इसे मैं लेकर यहां से बाहर निकलता हूं, जिस रास्ते से मैं आया हूं ना उसी रास्ते से अभी मैं जाने वाला हूं। बाकी तो आप लोग यहां पर देख पा रहे हो माइकल की हालत इस टाइम पर क्या हो चुकी है, बेचारा ढंग से आगे भी नहीं बढ़ पा रहा। और एक सेकंड, मैं थोड़ा सा गलत रूम में आ गया हूं, मुझे इस वाले रूम से पहले बाहर निकलना है और बाहर की तरफ में ना काफी सारे लॉस गैंग के बंदे हैं। तो ट्रेवर कह रहा है कि भाई वो लोग तो इधर नहीं आने वाले, तुम जिस रास्ते से अंदर गए हो उस रास्ते से मेन गेट से ही बाहर आ जाओ, क्योंकि वो सारे के सारे बंदे ना इस टाइम पर अंदर घुसने वाले हैं मेरे को ढूंढने के लिए। अभी फिलहाल यहां से मैं बाहर तो निकल चुका हूं, बंदे पीछे की तरफ में काफी सारे खड़े हुए थे बट अभी कोई भी नहीं नजर आ रहा। ओके तो यहां पर एक बंदे ने मेरे को गोली मारी है, जल्दी 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 भागना पड़ेगा क्योंकि अभी एक ही बंदे ने देखा है और अगर वो बाकियों को बताएगा तो बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये खड़े ट्रैवलर है, तो अभी जल्दी से ना इसको मैं यहाँ पर गाड़ी के अंदर रखता हूँ और फटाफट से ना गाइस यार हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल हम लोगों ने इसकी बॉडी को उठाकर ना पीछे तो रख दिया है, बट यहाँ पर ना काफी सारे लॉस गैंग के बंदे आ गए हैं। अभी फिलहाल इन सबको ना जल्दी से यहाँ पर लामार ने सही इनके बजा दी, बहुत सही बहुत सही, यही चीज मैं चाह रहा था। बाकी यहाँ पर सारे के सारे बंदे ना जल्दी से निकल कर बाहर आ गए और अभी ना फटाफट से हमें भी यहाँ से भाग कर जाना चाहिए। तो ओके अभी फिलहाल इन लोग को तो मैंने मार दिया है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल इस बंदे को लेकर हम लोग लॉस्ट गैंग के बेस से तो निकल गए हैं, बस यार ये ना हमें बता दे कि आखिरकार फ्रैंकलिन कहां पर छुप कर बैठा हुआ है, वरना यार इस बंदे को अभी हम लोग बहुत ही बुरी तरह भूत बनाने वाले हैं। वैसे यार देखो लेस्टर ने जो मेरे को लोकेशन दी थी ना इस बंदे को लाने के लिए, अभी मैं सीधा उसी जगह पर जाने वाला हूं। अभी एक काम करते हैं, ट्रेन के पीछे पीछे निकल लेते हैं क्योंकि वो जगह ना यहां से मैं थोड़ा ना जाना तो मेरे को पीछे ही है बट वहां पर लॉस्ट गैंग के बंदे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ना अलग रास्ता पकड़ने वाले हैं। तो यहां से अपनी गाड़ी ना मैं फटाफट से बाहर निकालता हूं और यहां से लेकर चलते हैं सीधा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं उसी जगह पर पहुंचने वाला हूं जहां पर मुझे लेस्टर ने आने के लिए कहा था। तो जो उसका सबसे पुराना वाला घर है ना उसने कहा था बस वहां से आगे आ जाना मैं तुम्हें दिख जाऊंगा। तो ये आ गया लेफ्ट में उसका सबसे पुराने वाला घर। तो अभी ना बस मुझे यहां से एकदम सीधा जाना है और यहां से मैं लेफ्ट लेता हूं क्योंकि आगे जाने के लिए तो एक ही रास्ता है ना। तो ओके ठीक है, वैसे मेरे को अंदर आने की कोई जरूरत नहीं थी, बस मेरे को उसी वाले रोड से सीधा आना था। बाकी यार ओके तो वो देखो सामने वाले घर पर खड़ा हुआ है लेस्टर। तो चलो यार अभी ना फिलहाल अपने ट्रक को नहीं अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़ा करते हैं। इस बंदे को अभी तक होश नहीं आया, एक सेकंड ये एक्टिंग कर रहा है मैं 100% श्योर हूं, अभी लेस्टर इसको होश मिलाएगा, कोई नहीं। तो ओके गाइस यार देखो जैसा कि मैंने कहा था ये बंदा ना बेमतलब में बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था और अभी ना फिलहाल लेस्टर आया और उसको पकड़कर अंदर ले जा चुका है। तो चलो यार अभी ना फिलहाल हम लोग भी अपनी गाड़ी को एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ना आगे लगा देता हूँ, उसके बाद हम लोग अंदर चल के इसका मुंह तोड़ते हैं। और ये लमार को ना बैठने की जल्दी ज्यादा मचे रहते, लो बैठ जाओ, गाड़ी यहीं तक लानी है, पता नहीं किस लिए बैठ रहे हैं। ओके तो ठीक है, अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी करके अंदर चलते हैं और अभी फिलहाल उसका मुंह तोड़ते हैं। वैसे यार देखो बंदा मेरे को समझदार लग रहा है, मेरे को लग रहा है एक ही बार में बता देगा कि आखिरकार फ्रैंकलिन कहां पर है। तो चलो यार अभी ना फिलहाल मैं घर के अंदर तो आ गया हूं, तो शायद से लेस्टर उसे यहीं कहीं पर लेकर आया होगा। बाकी यार एक सेकंड, ये घर एक तो इतना ज्यादा पुराना है, दीवार ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सालों पहले यहां पर पेंट हुआ होगा, बट जो भी है अभी फिलहाल, अबे ये बाहर तो नहीं लेकर चला गया, इधर तो गेट ही नहीं लगे हुए हैं बैक साइड पे, कोई भी बंदा घर के अंदर आके चोरी कर सकता है, पता नहीं यार क्या हिसाब है। तो शायद से वो ऊपर ले गया होगा, यहां पर स्टेयर्स है और लग रहा है लमार और ट्रेवर भी ऊपर ही जा चुके हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग रूम के अंदर चलते हैं उसको टॉर्चर करने के लिए, बट यार वो तो उस रूम के अंदर है ही नहीं। एक सेकेंड यार, क्या पता वो दूसरे वाले रूम में हो, यहाँ पर एक रूम और है ना। ओके तो ये रूम नहीं, ये बाथरूम है और इतना बड़ा तो घर नहीं है जितना बड़ा इन लोगों ने बाथरूम बना रखा है, भाई क्या ही सीन है। और एक तो ये लेस्टर से कहां पर लेकर चला गया मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। तो ये लास्ट रूम बचा हुआ है, ओके ओ भाई साहब यहां पर बैठे हैं सारे के सारे और मैंने कहां ढूंढ रहा हूं। तो पूछो भाई से कहां पर है फ्रैंकलिन।
तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल मैंने सब बंदों को रूम से बाहर भेज दिया ताकि मैंने इसे एकदम आराम से बात कर सकूं। और मैंने इसे काफी ज्यादा देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तू बस हमें चुपचाप से ये बता दे कि फ्रैंकलिन कहां पर है। अब यार देखो ये ना इस सिटी का नहीं है, लिबर्टी सिटी का है और बात बात पर बस ये बोले जा रहा है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो और मेरे को यहां से जाने दो। बट इसको ये नहीं पता कि बस हमें फ्रैंकलिन चाहिए। अभी ना फिलहाल निकल यहां से, ऐसे की तैसी तेरी। इसको ना अभी पहले बाहर ले जाकर ना अच्छे से कूटेंगे। मैं अकेले में इसलिए बात कर रहा था ताकि डरे ना, आराम से बता दे। अभी तू चल नीचे, चारों मिलके से मारेंगे तब ये हमें बताएगा। ओके तो चल बाहर निकल पहले। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं इसे मारता मारता बाहर लेकर आ चुका हूं। और अभी ना फिलहाल लमार ने भी इसके रख रख के मारना शुरू कर दिया। नीचे गिरा पहले तो इसको सीढ़ियों से। तू पहले नीचे चल, नीचे गाइस। इस टाइम पर ना लेस्टर इसका वेट कर रहा है और वापस मारने की कोशिश कर रहा है ना इसकी, ऐसी की तैसी। रुक जाओ अभी, ये देखो भाई लेस्टर को पहले वो मारता नहीं है और जब बाद में मारना शुरू करता है ना तो फिर वो रुकता नहीं है। बाकी इसको मैंने प्यार से इसीलिए बोला था कि बता दे, बट इसको समझ नहीं आई। ले चल ले चल नीचे ले चल इसको। ओके तो चलो भाई अब बारी आ चुकी है लेस्टर की। अब बस लेस्टर इसे मारेगा, हम लोग बस खड़े होकर बस तमाशा देखेंगे। फिर गिर भी नहीं रहा भाई, इतनी ज्यादा जाना है तो चलो भाई लेस्टर बजा देख रख के इसके भाई। ओके एक पड़ा, चलो बहुत सही बहुत सही। एक और मार सिर पे सीधा। ओह भाई अभी बहुत गंदी कुटाई होने वाली है भाई इसकी। आराम से हम लोग पूछ रहे थे बट इसको समझ नहीं आई। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल लेस्टर ने इसे मार मार के एकदम बेहोश कर दिया है और ये अब कुछ भी बताने की हालत में नहीं रहा है। पता नहीं यार अभी फिलहाल क्या ही होगा। बट अभी ना फिलहाल बाहर से गोलियां चलना शुरू हो गया है। एक सेकंड, ओ भाई सब, ये तो गेट ही निकल गया यहां से। एक सेकंड यार, यहां पर तो काफी सारे बंदे आ गए हैं। ये सारे के सारे लॉस्ट गैंग के बंदों को पता कैसे चला हम लोग इस घर में है और इन्होंने आके हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल एक नहीं दो नहीं काफी सारे बंदे हैं, तो अभी ना इनका बहुत ही बुरी तरह मैं मुंह तोड़ने वाला हूं। एक काम करता हूं अपनी ना, इस टाइम पर मैं अजोल ट्रैवल्स बाहर निकाल लेता हूं। सही टाइम पर मैंने ट्रैवल से सारी की सारी गन ले ली थी और अभी ना यहां पर पीछे से भी बंदे आ गए हैं। लमार भी अपनी गन लेकर बाहर निकल गया है। भाई ये क्या ही हो गया लॉस्ट गैंग के बंदों को, मतलब कि कहीं पर भी पहुंच जा रहे हैं हमसे लड़ने के लिए। बट वैसे गलती हमारी थी, हम इनके बंदों को मारकर इसे यहां पर लेकर आए थे। बट कोई नहीं, अभी ना जल्दी से हमें गाड़ी में बैठकर यहां से निकलना पड़ेगा वरना सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। वो देखो सामने की तरफ में कितनी सारी गाड़ियां आई हैं और अभी तो ये सारे पागल हो गए हैं। ओ भाई साहब, तो ओके गाइस यार वो जो आप पीछे की तरफ में ट्रक देख पा रहे हो ना, ये सारे के सारे बंदे उसके अंदर बैठ कर आए हैं और अभी मुझे नहीं पता ये 100 है 50 है या फिर 200 है, लेकिन यार अभी जितने भी हैं हमें इनका सामना करना पड़ेगा। अभी फिलहाल पीछे के बंदे तो यहाँ पर लेस्टर देख रहा है बट इधर काफी सारे बंदे हैं, सबको ही मारना पड़ेगा और चारों तरफ देखना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मेरे पास जो AWM है ना गाइस इस टाइम पर, तो वो भी किसी काम नहीं आने वाली क्योंकि सामने से काफी सारे बंदे आ रहे हैं। अगर एक बुलेट में एक बंदा मरेगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं चाह रहा हूँ एक ही बुलेट में पांच पांच बंदे मारे जाए। तो शॉर्ट रेंज के लिए शॉर्ट गन तो मैंने गाड़ी में ही रख दी, बट कोई नहीं अभी इन लोग को पहले आगे आ जाने दो। अब मैं इनके गंदा स्प्रे बजाने वाला हूँ, सारे के सारे ना लाइन से मरेंगे, रुक जाओ। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल सामने की तरफ में हमने काफी सारे बंदों को ना मार के एकदम फुल मजे में नॉक डाउन कर दिया ये। बट पीछे से आरपीजी, एक सेकंड, अभी ये कौन सी गन मार रहा है कोई? ओ भाई पूरे के पूरे पेड़ में ही आग लगा दी। और यहाँ पर ये बिग माफिया के गार्ड्स अपनी हेल्प के लिए आए हैं क्या? ओके नहीं गाइस, ये तो इस टाइम पर हमें ही मार रहे हैं भाई। ये क्या सीन है, ये बिग माफिया का भाई पागल हो गया कि इसने हमारे ऊपर क्यों अटैक करवा दिया भाई इस टाइम पर? और बाकी भाई आरपीजी पे आरपीजी चल रही थी, ऐसी की तैसी निकल यहाँ से। भाई ये लोग कब में टपक गए और कहाँ से टपक गए मेरे को तो ये नहीं पता चल रहा। बाकी तो फ्रैंकलिन ना, ओ भाई साहब पूरा का पूरा आर्मर पहन कर बैठा हुआ है और उसके इस टाइम पर मैं जितनी भी गोली मारूंगा ना उससे कोई असर नहीं होने वाला। बाकी यार देखो इन्होंने क्या करा, आधे बंदों ने सामने से अटैक करा है और आधे बंदों ने पीछे से। बाकी यार ये आरपीजी ले लेके चल रहा है भाई और पूरा पूरा बुलेट प्रूफ आर्मर पहन कर बैठा हुआ। नहीं नहीं नहीं, अगर अभी मैं उसे तो मार नहीं पाऊंगा। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल सीधी सी बात है, फ्रैंकलिन के पास आर्मर भी है आरपीजी भी है, वो हमें बहुत ही ज्यादा आसानी से मार सकता है और हमारे पास ना ही आर्मर है ना ही कोई ढंग की गन है और उल्टा वो इतना तगड़ा आर्मर पहनकर बैठा हुआ है ना कि AK-47 भी मैं उसे मारूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी इन्होंने फ्रैंकलिन को मार देखा, ओपी भाई वो कितना। एक सेकंड यार, ये तो इसके जो गार्ड है ना बहुत ज्यादा खतरनाक है। बाकी ये फ्रैंकलिन नहीं कोई और है, ये जो आरपीजी चला रहा है ना वो फ्रैंकलिन है, वो देखो सामने की तरफ में है। मेरे को फिलहाल यहां से पहले भागना पड़ेगा। इनका एक आध गार्ड ना यहां पर, यार ये बिग माफिया के भाई के बंदों के साथ कैसे? तो गाइस यार अभी ना फिलहाल जैसे तैसे करके ना थोड़ा बहुत मामला शांत हुआ है। फिलहाल फ्रैंकलिन मेरे को नजर आ गया है, अभी ना बस इसके मत्थे पे मेरे को एक शॉट बजा देना था बट यार वो सही टाइम पर ना अंदर हो गया, मुझे ना उसे चुपचाप से मारना पड़ेगा। बिग माफिया के भाई के ना भी और भी काफी सारे बॉडी गार्ड्स हो सकते हैं आएंगे। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल पीछे की तरफ से जितने भी बिग माफिया के भाई के बंदे आए थे उन सबको तो हमने मार डाला और यहाँ पर उन लोग की एक गाड़ियां किसी ने चला दी। ओ भाई साहब यहाँ पर मेरे को पता है क्या लग रहा है कि ना पीछे से अंडर वाटर माफिया आ गया, मेरे को वो दिखा था। ओ भाई ये तो गाइस हमारा साथ देखने के लिए आ गया। चलो गाइस बहुत बढ़िया, अभी ये जितनी भी
लॉस्ट गैंग है ना, ये हमसे बहुत ही बुरी तरह पिटने वाली है। तो गाइस देखो ये होते हैं रियल भाई, एंड टाइम पर अपना साथ देने आ गए हैं। वैसे यार देखो मैं 100% श्योर नहीं हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें ही मारने आया हो। बट यार देखो अगर हमें मारने आया होता ना तो लॉस्ट गैंग के बंदों को नहीं मारता। तो गाइस यार देखो अब होगा ना बराबरी का मुकाबला लॉस्ट गैंग के बंदों से और फ्रैंकलिन से। यहाँ पर ना इसने सीधा आरपीजी मार मार के सामने वाले लॉस्ट गैंग के बंदों की गाड़ियां सारी फोड़ दी है। बाकी कहाँ चला गया, मैं इसके साथ रहूंगा ना तो ही सेफ रहूंगा, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ओके तो वो देखो अंडरवाटर माफिया अकेले ही जा रहा है और सारी ओ तेरी पूरे को पूरा ट्रक इसने ब्लास्ट कर डाला। ओ भाई सारे के सारे बंदे भी बहुत बुरी तरह मरने वाले हैं, तो चलो अभी इन सबका मुंह तोड़ते हैं। तो ओके गाइस सर अभी ना फिलहाल अंडरवाटर माफिया सारे के सारे बंदों को मारकर यहाँ पर वापस आ चुका है। लेकिन गाइस सर अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। ट्रेवर भी यहाँ पर लामार को बोल रहा है कि फ्रैंकलिन कहाँ पर है उसे ढूंढो। बट अभी ना फिलहाल जहां तक मुझे याद है वो लास्ट टाइम घर के अंदर तो गया था, तो शायद से वो घर के अंदर ही छुप के बैठा हो। अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग यहाँ पर चलते। ओ भाई साहब उस बंदे को हम लोगों ने यहाँ पर बिठाया था और वो भी यहाँ पर नहीं है। एक सेकंड गाइस यार ये सीन हुआ क्या है, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा कहीं फ्रैंकलिन उसे लेकर तो नहीं भाग गया। मेरे को पता है क्या लग रहा है कि जब ये अंडरवाटर माफिया आरपीजी चला रहा था ना तो एक आध गलती से उसके पे लग गई होगी। बट यार अगर लगी होती तो उसकी बॉडी यहीं कहीं पर नजर आती और वो एक आरपीजी से नहीं मरने वाला था, क्योंकि उसके पास जो आर्मर था ना वो आरपीजी आराम से झेल लेता, वो उड़ के दूर गिर जाता बट वो मरता नहीं। तो गाइस मुझे पता है क्या लग रहा है कि वो ना इस टाइम पर उसे लेकर भाग गया है। फिर शिट यार हमें घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए था, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यार, मतलब कि हाथ से निकल गया यार फ्रैंकलिन। इस टाइम पर गाइस यार कोई तो है जो कि उसका बहुत तगड़ा साथ दे रहा है इन सब कामों में। तो गाइस अभी ना फिलहाल हमें चुपचाप से इस एरिया से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यार यहाँ पर ना बहुत ज्यादा खतरा है। अंडर वाटर माफिया कह रहा है कि बिग माफिया का जो भाई है उसने इस टाइम पर ना फ्रैंकलिन से दोस्ती कर लिया है, हो सकता है वो कभी भी अपने और भी बंदे यहाँ पर भिजवा दे हमारे ऊपर अटैक करने, इसलिए पहले यहाँ से निकल लो, बाकी की बात हम लोग यहाँ पर बाद में कर लेंगे। अभी फिलहाल फ्रैंकलिन तो नजर नहीं आ रहा, साथ के साथ ना हमें वो भी नहीं पता चल रहा लेस्टर कहाँ चला गया। मेरे को तो यार लग रहा है कि उसकी एक आध गोली लग गई है। ओके तो फिलहाल यहाँ पर अलग ही बंदे बैठे हैं, पता नहीं यार क्या सीन है। एक बार ही ना पहले थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर उसको कॉल करते हैं लेस्टर को कि आखिरकार वो कहाँ पर है। भाई फ्रैंकलिन आया और हमारे साथ पूरी की पूरी गेम खेल गया, हमें पता भी नहीं चला। पहले उसने आरपीजी से हमें मारा, मतलब उसने स्टार्टिंग क्या करी, पहले सामने से लॉस्ट गैंग के बंदे भेजे, जब हम लोग घर से बाहर निकले हमारा सारा ध्यान लॉस्ट गैंग के बंदों पे गया, तब उसने पीछे से अटैक करा हमारे ऊपर वो भी बिग माफिया के भाई के साथ और सीधा उस बंदे को रेस्क्यू कराकर भाग गया, हमें पता भी नहीं चला। यार वो तो अच्छी बात यह है कि अंडरवाटर माफिया सही टाइम पर आ गया, और अभी ना फिलहाल ये तो बहुत ज़्यादा गलत सीन हुआ है। मुझे लगता था कि बिग माफिया का भाई बस हमारा ही दोस्त है और मतलब कि इसके अलावा को किसी के साथ नहीं जाएगा, बट वो अपने से अच्छा दोस्त फ्रैंकलिन का था। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, इन लोग को भी बाद में देख लेंगे, बट अभी ना फिलहाल हमें छुपना पड़ेगा क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, फ्रैंकलिन के पास भी बहुत बड़ी फोर्स है। ओले भाई पुलिस से ओवर हो गई, और इस टाइम पर बिग माफिया का भाई भी कोई कम नहीं है, तो इन दोनों से भी बचकर रहना पड़ेगा। अभी अंडरवाटर माफिया थोड़ी बहुत अंदर की बात इसने सही टाइम पर आकर बता दी। तो चलो गाइस सर आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 1 मिलियन लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और हाँ यार मुझे ना कमेंट में जाकर जरूर बताना कि अभी ना मुझे दूसरे शहर जाकर छुप जाना चाहिए या फिर बिग माफिया भाई और फ्रैंकलिन को मारने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे यार वो तो लेस्टर ही प्लानिंग करेगा, बट हाँ यार जो भी आप लोग कमेंट में जाकर जरूर बताना। और हाँ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज किस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।